बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली बुधवार को जब पदभार संभालने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो उनसे महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर भी सवाल हुए। गांगुली ने इसका अपने अंदाज में जवाब दिया। धोनी को चैंपियन बताते हुए गांगुली ने कहा कि चैंपियन खिलाड़ी कभी भी जल्दी अपना खेल नहीं छोड़ते। धोनी की बात करते हुए दादा ने अपने दौर का भी उदाहरण दिया, जब उन्होंने करीब 1.5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहने के बाद क्रिकेट में जोरदार वापसी की थी और फिर अगले 2 साल तक लगातार क्रिकेट खेला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ गांगुली ने अपनी उन योजनाओं पर खुलकर चर्चा की जिन्हें वह अंजाम देंगे। उन्होंने कप्तान विराट कोहली के खेल पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने भारतीय क्रिकेटरों के भी जमकर तारीफ की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के बारे में उन्होंने कहा कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। मैं भी कप्तान रहा हूं और ऐसे में एक कैप्टन की जिम्मेदारी को बखूबी समझता हूं। आप पिछले 4-5 साल में उनके खेल को देखिए, वह कमाल के क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा कि मैं विराट से कल ही मुलाकात करूंगा। वह भारतीय टीम के कप्तान हैं और भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे अहम व्यक्ति हैं। हम उनका हर संभव तरीके से सपोर्ट करेंगे। I wore this, I got it when I was captain of India, so I decided I would wear it, but I did not realize that it is so loose, but I got this when I was captain, so I decided to wear it today, yes, which is a good thing actually. ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।